हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट बनाना आइसक्रीम बनाने जा रहे हैं। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए हमने ये दो बनाना लिए हैं जिसे हमने फ्रीज़र में फ्रीज करके लिया है। ये देखिए, मैंने इसे रात को रखा था, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ मिक्सी के जार में। दो बनाना मैंने लिए हैं, आपको जितना आइसक्रीम बनाना है उस हिसाब से आप इसे लीजिए। ये एक कप हमने घर की मलाई ली है, ये इसमें ऐड करते हैं। और दो बड़े चम्मच हम इसमें मिल्क में डालेंगे। बस ये तीन ही चीज़ें हमें लगने वाली हैं, इससे हमारा बहुत ही अच्छा आइसक्रीम बन के तैयार होगा। हमने इसे मिक्सी के जार में डाल के ब्लेंड कर लिया है। आप देख सकते हो ये कितना क्रीमी दिख रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर देखिए आप, कितना क्रीमी है। सेट होने के बाद ये बहुत ही अच्छा बनता है। मैं अभी इसे सेट करने के लिए डब्बे में डालती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे हम बटर पेपर डाल के बंद कर लेते हैं। और फ्रीज़र में हम इसे 3-4 घंटे के लिए रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनाना आइसक्रीम बन के तैयार हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा बना है, इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं। बनाना आइसक्रीम को ज़्यादा फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे 8-10 घंटे ही फ्रीज में रखना है और इसे तुरंत ख़त्म करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बनाना आइसक्रीम बहुत अच्छा बना है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये सिंपल रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरी रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो फिर मिलते हैं किसी नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।